बंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक शुरू। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया राहुल शामिल। मीटिंग में ममता बनर्जी, केजरीवाल, शरद पवार शामिल। उद्धव ठाकरे, नीतीश, लालू, तेजस्वी और अखिलेश यादव मौजूद रहे। बैठक में महबूबा मुफ्ती, फारूख अब्दुल्ला, एम के स्टालिन मौजूद। हेमंत सोरेन, जयंत चौधरी समेत कई और नेताओं ने भी की शिरकत। बंगलुरु में कई जगहों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर। नीतीश को बताया मौका परस्त पीएम कैंडिडेट, ब्रिज हादसे को लेकर भी जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा, बैठक का कोई असर नहीं, सारे विपक्षी चले जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डी के शिव कुमार का बयान, कहा बीजेपी सोचती है कि वो बड़ा खतरा है, अब कांग्रेस इससे लड़ने को तैयार। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का कांग्रेस पर तंज, कहा सत्ता के लालच में सरकारी मशीनरी का काम कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी को काम पर लगाया है। नीतीश पर जीतनराम मांझी का बड़ा अटैक, कहा नीतीश अगर विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो उनको सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करूंगा। जीतनराम मांझी का बयान, कहा बिहार में रक्षा क्षेत्र में फेल हुए नीतीश, उनके राज में भ्रष्टाचार, गरीबों के साथ शोषण बढ़ा। विपक्ष की बैठक के पहले दिन सोमवार को 26 पार्टियों ने शिरकत की। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। संसद सत्र से पहले आज एनडीए और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में एनडीए की होगी बैठक। दिल्ली में होने जा रही एनडीए की बैठक में आज 38 दल लेंगे हिस्सा। दिल्ली के अशोक होटल में शाम 5 बजे होगी बैठक। एनडीए की बैठक में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल शामिल होंगे। शिवसेना की तरफ से सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। बिहार से हम पार्टी के जीतनराम मांझी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए पर बोले ओम प्रकाश राजभर, देश में विपक्ष कहीं लड़ाई में नहीं, बीजेपी का पूरे देश में जनाधार। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर बड़ा आरोप, कहा अखिलेश के साथ नहीं चलेगी कोई सरकार या कोई गठबंधन, वे किसी को नेता नहीं बनने देते। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया। पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा वार, कहा कुछ दलों के विकास का काम रोका, 9 साल में पुरानी गलतियां सुधरी। पीएम मोदी का बयान, कहा पिछली सरकारों के दौरान दूर दराज इलाकों में नहीं हुआ विकास, हमने अंडमान निकोबार में किया 2 गुना विकास। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, खर्च किए गए 710 करोड़ रुपए, देश की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सिंधरा में आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी। कल रात 11:30 बजे शुरू हुई थी मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने ड्रोन और नाइट विजन डिवाइसेस से रखी निगरानी। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिला धमकी भरा संदेश, पीएम मोदी और सीएम योगी को धमकी, मुंबई अटैक जैसे हमले की धमकी। अनंतनाग में राज्य जांच एजेंसी का छापा, अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य और बैंक गार्ड की हत्या का मामला। अनंतनाग के साथ साथ कुलगाम के कैम्हो और शोपिया के हेफ में भी छापे, हथियारों की तलाश में कार्रवाई तेज। मुंबई पुलिस को पाकिस्तान से अज्ञात शख्स का संदेश, सीमा हैदर को बताया जासूस, कहा भारत को पहुंचाएगी नुकसान। नोएडा में सीमा सचिन से आज भी एटीएस की पूछताछ, अज्ञात जगह पर हो रहे हैं सवाल जवाब, कल भी हुई थी 8 घंटे तक पूछताछ। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का होगा लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। सीमा हैदर से उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में खुलासा, सचिन से पहले सीमा ने कई और लोगों से किया था संपर्क, ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के रहने वाले। एटीएस सूत्रों के मुताबिक बेहद तेज दिमाग की है सीमा हैदर, राज उगलवाना आसान नहीं, हर सवाल का दे रही है नपातुला जवाब। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी, शाम 4 बजे ईडी दफ्तर बुलाया। पोनमुडी से कल से ईडी की पूछताछ जारी, कल 8 घंटे तक अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। फरीदकोट जेएमआईसी कोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल को विदेश यात्रा की मंजूरी दी, बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होंगे। पीएम मोदी का ट्वीट, केरल के पूर्व सीएम उमान चांडी के निधन पर दुख व्यक्त कर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, हमने विनम्र समर्पित नेता खो दिया। बंगलुरु के चिन्मय मिशन अस्पताल पहुंचे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व सीएम उमान चांडी को दी श्रद्धांजलि। केरल के सीएम पी विजयनन ने पूर्व सीएम चांडी के निधन पर जताया दुख, 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं, यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली की आईटीओ रोड पर ट्रैफिक हुआ चालू, यमुना का पानी भरने से करीब 1 हफ्ते से बंद पड़ा था ट्रैफिक और सड़क। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, लिखा वजीराबाद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फुल कैपेसिटी पर चालू हुआ, कर्मचारियों को शुक्रिया अदा किया। मेरठ में जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी, लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया कराई गई।
बाढ़ से करीब 13 गांव प्रभावित, स्थानीय लोगों की समस्याओं का किया जा रहा समाधान। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक हुआ प्रभावित, मलबा पार कर टेम्पो खाई में पलटा। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, हरिद्वार मसूरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। हरिद्वार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलजमाव, सड़कें यातायात से प्रभावित। देहरादून में बीती रात तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में सुबह फिर बारिश, लोगों को एक बार फिर से करना पड़ा परेशानियों का सामना। असम के मोरेगांव में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर 20 गांव में घुसा, मायोंग इलाके के हजारों लोग हुए प्रभावित।